हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन आपके लिए लाए हैं सोना लो सोना जीतो स्वर्ण समृद्धि ऑफर। दलाई लामा अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार से हों सम्मानित। पूर्व मंत्री मेजर विजय सिंह मानकोटिया ने कहा है कि महात्मा गांधी की 150वीं जन्म वर्षगांठ पर तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाना चाहिए। उन्होंने इसे लेकर पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। इस वर्ष हमारी यह प्रस्ताव है कि भारत सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जब यहाँ साथ को आए इस इंटरनेशनल ग्लोबल कॉन्फ्रेंस या मीट का उद्घाटन करने के लिए उससे पहले घोषणा करें, ये फैसला करें, घोषणा करें और इस अवसर पर यहाँ आके इसके बारे इस होने से दलाई लामा बुला के आओ इनको सम्मानित करें, घोषणा करें। कार्यक्रम तो दिल्ली में ही होता है, घोषणा करें, इस कार्यक्रम में उनको आमंत्रित जरूर करें क्योंकि धर्मशाला एंड इस होने से दलाई लामा इनको दो सेपरेट एंटिटीज मान सकते हैं। आप धर्मशाला जो आज इसको इतनी प्रोमिनेंस इतना महत्व मिला है, इतनी शोहरत मिली है, इतनी मशहूरी मिली है उनकी बदौलत, तो उचित होगा कि उनको पहले आमंत्रित करें और फिर इस चीज की घोषणा करें कि इस वर्ष जो अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार है वो धर्मगुरु दलाई लामा को हम सम्मानित करें। ऊना अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट ने नाबालिग को बता दिया गर्भवती। एक युवती ने ऊना अस्पताल में अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट को लेकर सवाल उठाए हैं। अल्ट्रासाउंड करवाने पहुंची एक नाबालिग को रेडियोलॉजिस्ट ने गर्भवती बता दिया। निजी अस्पताल में अल्ट्रासाउंड करवाने पर ऐसी कोई पुष्टि नहीं हो पाई। परिजनों ने सीएमओ ऊना को शिकायत सौंप कर जांच की मांग उठाई है। अभी ऐसे रिटर्न रिपोर्ट एक दे रहे हैं मुझे पेशेंट के अटेंडेंट लिख के, तो उसके लिए मैं एमएस को पूरे डिटेल में उसकी इंक्वायरी करने के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे कि उसकी इंक्वायरी करके उसका जो है जो भी रिजल्ट है उसके आगे कार्रवाई की जाएगी। अगर कुछ ऐसा गलत पाया जाता है तो उसके बारे में तो इंक्वायरी के बाद ही बता सकेंगे। पश्चिम बंगाल में आरएसएस कार्यकर्ता की मौत पर फूटा एबीवीपी का गुस्सा। एबीवीपी ने संजौली महाविद्यालय में पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता, उनकी गर्भवती पत्नी और 8 वर्ष के बच्चे की निर्मम हत्या पर रोष जताया है। एबीवीपी ने केंद्र सरकार से मांग की है कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल सरकार को बर्खास्त किया जाए और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। मानकोटिया ने अलापा उपचुनाव के बीच दूसरी राजधानी का राग। उपचुनाव के बीच दूसरी राजधानी को लेकर भी राजनीति शुरू हो गई। शांता कुमार इसे औचित्यहीन बता चुके हैं, तो अब पूर्व मंत्री मेजर विजय सिंह मानकोटिया ने दूसरी राजधानी बनाने की नए सिरे से मांग उठा दी है। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि कितने हमारे जाने माने नेता जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से एक मुख्यमंत्री भी पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके, केंद्र सरकार में भी रह चुके, सांसद भी रह चुके, आज उनकी सोच जो है वो मैं समझ नहीं पाया कि उन्होंने ये बयान दिया है कि कांगड़ा को धर्मशाला को दूसरी राजधानी का दर्जा नहीं दिया जाए। मैं समझता हूँ कि ये कांगड़ा और कांगड़ा के साथ जो निचले क्षेत्र हैं जिसको मस्ट एरियाज कहते हैं, कांगड़ा हमीरपुर ऊना कुल्लू तक और चंबा भी उसमें शामिल करूँगा क्योंकि भौगोलिक सीमाओं के कारण वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, तो इतने बड़े जो हमारे यहाँ के ज़िले हैं, कांगड़ा सबसे बड़ा ज़िला है, उसको क्यों नहीं आप दूसरी धर्मशाला को दूसरी राजधानी का दर्जा देना चाहते हैं। दयाल प्यारी को लेकर बोले जयराम, ईमानदारी से किया था प्रयास। सीएम जयराम ठाकुर ने दयाल प्यारी से जुड़े एक सवाल के जवाब में कहा कि हमने ईमानदारी से प्रयास किया था, हम चाहते थे कि दयाल प्यारी पार्टी के निर्णय को स्वीकार करें, शायद उन्हें उचित नहीं लगा। हम पार्टी कैंडिडेट के लिए प्रचार करने जा रहे हैं, इसलिए दयाल प्यारी पर ज्यादा बोलना नहीं चाहते। देखिए, हमने एक ईमानदार प्रयास किया, हमारी पार्टी की वो कार्यकर्ता रही है और इसलिए दायित्व पर भी रही है। हमने चाहा था कि
कि पार्टी का जो निर्णय है उसको वो भी स्वीकार करें, साथ चले। लेकिन उसके बावजूद उनको शायद वो उचित नहीं लगा, इसलिए चुनाव लड़ रही हैं। तो उस बारे में मुझे ज़्यादा कुछ कहना नहीं, हम अपने पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उसके लिए काम कर रहे हैं। मनाली लेह मार्ग बंद, पुलिस ने अस्थाई चौकियां हटाई। मनाली लेह मार्ग के सुहाने सफर का आनंद लेने के लिए अब सैलानियों को 6 माह का इंतजार करना पड़ेगा। ये मार्ग आज से आधिकारिक तौर पर बंद हो गया है। पुलिस ने अस्थाई चौकियां भी हटा दी हैं। उड़ान मेले में बेचे जाएंगे ग्रामीण महिलाओं के बनाए उत्पाद। नाबार्ड 17 अक्टूबर से रिज पर स्थित पदम देव कॉम्प्लेक्स में उड़ान मेला 2019 का आयोजन करने जा रहा है। इसमें प्रदेश के किसानों और स्वयं सहायता समूहों की ग्रामीण महिलाओं द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को प्रदर्शित और बेचा जाएगा। मंडी में टिकटॉक वीडियो बनाने के लिए बेजुबान पर अत्याचार। सिरमौर के बाद मंडी जिला में पशु अत्याचार का मामला सामने आया है। टिकटॉक वीडियो बनाने के लिए 3 युवाओं ने कुत्ते को कई फीट हवा में उछालकर झाड़ियों में फेंक दिया। सोशल मीडिया पर युवाओं की इस हरकत का वीडियो वायरल हो गया है। चंडीगढ़ मनाली एनएच 21 पर टकराई 2 बाइक, 3 घायल। चंडीगढ़ मनाली एनएच 21 पर नरेश चौक के समीप 2 बाइक में जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को प्रारंभिक उपचार के लिए सिविल अस्पताल सुंदरनगर ले जाया गया है। पांवटा साहिब कालाम एनएच पर बस और कार में जोरदार टक्कर, 1 की मौत। देहरादून पांवटा साहिब कालाम नेशनल हाईवे 7 पर एक निजी बस और कार की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई है। कार चालक युवक की पहचान 30 वर्षीय मोहन सिंह के तौर पर हुई है। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा है। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन आपके लिए लाए हैं सोना लो सोना जीतो स्वर्ण समृद्धि ऑफर, जिसमें भूषण ज्वेलर्स से खरीदे शुद्ध सोने हीरे व चांदी के आभूषण और आप जीत सकते हैं लाखों के सुनिश्चित इनाम, 2.5 लाख की गोल्ड ज्वेलरी, 4 दिन और 3 रातों का दुबई टूर, 3 स्कूटी, 5 LED TV, 5 वॉशिंग मशीन व अन्य ढेर सारे इनाम। और ये ही नहीं, 100% BIS हॉलमार्क आभूषण एवं 100% बायबैक गोल्ड वैल्यू और सबसे कम मेकिंग चार्जेस। ऑफर वैलिड फ्रॉम 10 सितंबर टू 14 दिसंबर 2019। भूषण ज्वेलर्स, जहां है एहसास अपने पन का। लोअर बाजार सोलन।